बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा में आज पास नहीं हो पाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जेपीसी में वक्फ बोर्ड बिल भेजने की सिफारिश की गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले की सिफारिश जो है वो की है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बता दें कि आज ही किरेन रिजिजू के जरिए वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पेश किया गया था और जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि पास आज जो है लोकसभा में ये बिल नहीं हो पाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ बोर्ड 2024 संशोधन से जुड़ी हुई आज जो है इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद विपक्ष ने भारी हंगामा किया। अब जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि सिफारिश जो है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पूरे मामले की है। उन्होंने कहा है कि जेपीसी में वक्फ बोर्ड भेजा जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, वक्फ बोर्ड बिल 2024 जो है आज पेश किया गया था लोकसभा में। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जहां अखिलेश यादव ने इस बिल के समर्थन में न रहते हुए जमकर नारेबाजी की। उनकी तरफ से कहा गया कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को देखते हुए इस बिल को सदन में पेश किया गया है बीजेपी के जरिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समर्थित जो पार्टियां हैं एनडीए में, उन्होंने इसका समर्थन किया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये बिल जो है ये पास होना चाहिए। हालांकि अब जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि वक्फ बोर्ड जो बिल 2024 जो आज सदन में पेश किया गया था, जेपीसी में वक्फ बोर्ड बिल को भेजा जाए, इसकी सिफारिश केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की है। तो किरेन रिजिजू ने आज ही इस बिल को सदन में पेश किया था। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन में पेश हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली में मंदिर और जमीन को लेकर एक नया बवाल जो है वो आ चुका है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में वक्फ की जमीन पर संग्राम, जंगपुरा में मंदिर की जमीन पर जल, जावड़ी बाजार में वक्फ की मनमानी। क्या है दिल्ली में वक्फ विवाद की कहानी? जंगपुरा के शिव मंदिर पर महाभारत छिड़ी है। साल 2019 की दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये मंदिर अवैध तरीके से बनाया गया। अगर रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, द इलीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली की ये रिपोर्ट है, जुलाई 2019 की। ये रिपोर्ट बनाई गई थी दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के, और ये लीगल स्टेटस पे बात करती है जो रिलीजियस प्लेसेस हैं दिल्ली में। इसी रिपोर्ट में आगे के पेजेस पे आप देखेंगे कि एक लिस्ट है जिसमें इसमें लिखा है कि इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो कमिटी ने पाए फैक्ट फाइंडिंग के दौरान, उनके फोटोज अटैच हैं। और उसमें एक मंदिर है, ये मंदिर जंगपुरा ऑन रोड, ये वो मंदिर है जहाँ से अभी हम रिपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं मंदिर के नीचे, फोटो के नीचे लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली जुलाई 2019 मेंशनड है। लेकिन मंदिर की देखभाल करने वाले पुजारी का दावा है कि ना तो मंदिर को लेकर कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही उन्हें कभी मंदिर के अवैध होने की आधिकारिक जानकारी दी गई। 62 से ये मंदिर बना हुआ है, आप देख लो इसकी स्थापना देखो, बहुत पुराना लगा हुआ है ये बोर्ड। अच्छा। और रजिस्ट्रेड भी है, नंबर भी है इसका, देखो ऊपर जी। तो 62 में निर्माण हुआ था। हाँ, इसका 62 में ये स्थापना हुई है इस मंदिर की, और जब से अब तक ये हम ही संभालते आ रहे हैं। ऐसा कोई नोटिस नहीं आया ना दिल्ली सरकार से ना कुछ, ऐसा जैसा शुरू से ऐसा आता है वैसे ही आ रहा है। इसी सिलसिले में जब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जवाब दिल्ली सरकार को देना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट, इफ दिल्ली गवर्नमेंट सेज दैट, दिल्ली गवर्नमेंट रिप्लाई टू दैट। यू कैन नॉट जस्ट, आई कैन नॉट रिएक्ट ऑन द बेस ऑफ इमेजिनेशन ओनली, नो, द फैक्ट्स इज देयर, नो, वी लेट देम सी, इफ जस्टिस इज डिनाइड टू देम, लेट देम गो टू कोर्ट और लेट देम सबमिट द पिटीशन लाइक दैट। इट डजंट मीन दैट वक्फ बोर्ड इज डूइंग ऑल काइंड ऑफ अनवांटेड थिंग, दे आर एन इलेक्टेड बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक दैट। लेकिन वक्फ पर छेड़े संग्राम की ये एक कहानी नहीं है। दिल्ली के ही चावड़ी बाजार से भी वक्फ की मनमानी की खबर आई है। आरोप है कि दुकानदारों से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है।
अगर विरोध किया तो उन्हें परेशान किया जाता है। बड़ा हमारा झगड़ा हुआ, जो अभी तक हमारे अच्छे रिलेशन थे, कभी हमें वक्फ बोर्ड ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन वहाँ से धमकी के फ़ोन आने शुरू हो गए, गुंडे भेजने शुरू कर दिए कि भैया अब ये दुकान तुम्हारी नहीं है, अगर तुम हाईएस्ट बिल्डिंग करोगे इस दुकान की उसके बाद हम देखेंगे कि आप हमारे टेनेंट कंटिन्यू रहते हैं या नहीं। वही बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का आरोप है कि कांग्रेस की वजह से ये हालात पैदा हुए, कि ये लोग जो थे कांग्रेस के दलाल, ये अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियों को देखते थे और उसको वक्फ का चश्मा कर देते थे। वक्फ के सहारे से, वक्फ के आड़ में देश भर की प्रॉपर्टियों को हड़पने का काम भी इन्होंने किया है। इस पर भी रोक लगेगी, वक्फ बोर्ड बदनाम हो रहा है, मुस्लिम समाज बदनाम हो रहा है। फिलहाल वक्फ कानून पर छिड़ी एरार थमने वाली नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष संशोधन के जरिए खामियों को दूर करना चाहता है, जबकि विपक्ष इस मामले को अपने एंकल से दूर देना चाहता है। अजमेर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है, ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अजमेर मार्टिनल ब्रिज के पास यह हादसा हुआ। मामले की सूचना पर आरपीएफ मौके पर पहुंच चुकी है। अज्ञात व्यक्ति ने जानकारी यह है कि ट्रेन के आगे छलांग लगा दी थी। पुलिस ने शव जेएलएन अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया है। मौत के बाद लोगों की वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस शव की शिनाख्त करने में अब जुटी हुई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पीएम मोदी की अगुवाई में भारतीय सेना एक बड़े और क्रांतिकारी बदलाव की कहानी लिखने जा रही। भारत की सफलता की कहानियों में आज हम बात करेंगे उस जो